तो रिजल्ट का दिन आज, एनडीए को इस बार 60 सीटों का नुकसान होता हुआ अभी तक दिख रहा है। रुझानों में अब तक बड़ा नुकसान एनडीए को होता हुआ दिख रहा है। 2019 के मुकाबले एनडीए को इस बार अभी तक 60 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, रुझान दोपहर के 1 बज रहे हैं और ऐसे में 2019 के मुकाबले अभी तक की जो स्थिति है, तस्वीर है, 60 सीटों का नुकसान एनडीए को होता हुआ दिख रहा है। हालांकि अब भी जो सरकार बनाने के लिए मैजिकल फिगर है उसके आसपास एनडीए ही है, लेकिन 60 सीटों का नुकसान इस बार होता हुआ अभी तक दिख रहा है। रुझानों में एक बड़ा उलटफेर और मजबूती के साथ विपक्ष टक्कर देता हुआ दिख रहा है। नारा बीजेपी का था, एनडीए का था 400 पार का, लेकिन फिलहाल 400 पार वाली तस्वीर तो नहीं दिख रही है। 60 सीटों का नुकसान 2019 के मुकाबले होता हुआ अभी तक दिख रहा है। उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं वहां पर बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो बार बार दावे हो रहे थे 80 में 80 के, लेकिन एनडीए अभी तक 36 पर आगे, 42 पर INDIA गठबंधन आगे है। वहीं BSP 0, पिछली बार 10 सीट पर BSP ने जीत हासिल की थी, तब BSP और SP साथ में लड़े थे, लेकिन इस बार BSP ने अकेले लड़ने का फैसला किया और 0 खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। अदर्स के खाते में 2 सीट उत्तर प्रदेश में जाती हुई दिख रही है। वहीं एनडीए की स्थिति यहां पर खराब दिख रही है 2019 के मुकाबले। जो छोटे छोटे दल हैं, राजभर की बात कर ले तो राजभर के खुद के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं, घोसी में अरविंद राजभर पीछे चल रहे हैं। यानी कि जो छोटे छोटे से जो जातियों वाले पार्टियों को जोड़कर एक समीकरण साधने की कोशिश हुई थी, वहां पर कहीं पर गड़बड़ी दिख रही है। हालांकि जो बीजेपी के तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता जुड़ रहे हैं, उनका कहना है कि अब भी तस्वीर बदलने वाली है और उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा होगा वो होगा एनडीए के पक्ष में। ये बीजेपी के नेता और बीजेपी के हमारे मेहमान वो बार बार दावा कर रहे हैं। 2019 के मुकाबले एनडीए को पूरे भारत में 60 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी अकेले 237 पर आगे है, 292 पर एनडीए आगे है। इंडिया गठबंधन की बात कर ले 230 पर पूरे भारत में आगे इस वक्त, और 6 जीत हो चुकी है, 6 सीटों पर जीत हो चुकी है INDIA गठबंधन की। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल जीत गए हैं और इस वक्त हम आपको दिखा देते हैं, चलिए मैजिकल वॉल पर चलते हैं और मैजिकल वॉल पर आपको दिखाते हैं कि क्या है तस्वीर। तो मैजिकल वॉल हम आपको दिखाते हैं तस्वीर क्या है। सबसे पहले पूरे भारत की बात कर लेते हैं। भारत में इस वक्त ये जो आपके पास दिख रहा है ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, मैजिकल वॉल पर दिखा रहे हैं, ये भारत का मैप आप देखिए, आपको सैफ्रॉन भी दिख रहा है, यहाँ पर ब्लू कलर भी दिख रहे हैं, ग्रीन कलर भी दिख रहा है। और यहाँ पर अब जो पहले की जो तस्वीर थी ऐसा लग रहा था 2019 में और 2014 में कि पूरा सैफ्रॉन रंग जो है नारंगी रंग से पटा हुआ था, लेकिन इस बार की तस्वीर देखिए आपको सारे रंग यहां पर नजर आ रहे हैं भारत के इस मैप पर। 293 पर एनडीए आगे, लेकिन नुकसान 57 सीटों का, अभी 60 सीटों का नुकसान होता दिख रहा था, एक सीट की कमी हो गई इसमें, यानी कि एक सीट इधर जुड़ गई और 56, अब देखिए 56 रह गया, 56 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर INDIA गठबंधन की बात कर ले 228 पर ये आगे चल रहे हैं 2019 के मुकाबले, 99 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है, 99 सीटों पर आगे चल रहे हैं। अन्य की बात कर ले 21 पर आगे और 43 सीट की कमी होती दिख रही अन्य के खाते में जो 2019 में गई थी, और अभी यह आंकड़ा बदल रहा है, बार बार बदल रहा है और पूरी तस्वीर हम आपको हर एक तस्वीर दिखाते रहेंगे। बात अब उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार किस तरह से वोट कास्ट किया है वो आप इस तस्वीर से देखिए। उत्तर प्रदेश का यह मैप आपके सामने है और यहां पर भी आपको अगर नारंगी रंग दिख रहा है तो हरा रंग और नीला रंग भी दिख रहा है। यहां पर हरा रंग समाजवादी पार्टी का, नीला कांग्रेस का, नारंगी बीजेपी का। अब आप इसे देखकर समझ सकते हैं कि पिछली बार आपको पूरा जो एनडीए गठबंधन ही दिख रहा था, हर तरफ नारंगी, लेकिन इस बार आपको तमाम कलर्स नजर आ रहे हैं। तस्वीर यहां पर देखिए, टैली दिखा देते हैं आपको, 80 में 80 का जो रुझान इस वक्त सामने है, एनडीए 37 पर आगे, 27 का नुकसान होता दिख रहा है। इसी बीच बड़ी खबर कन्नौज से, खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, रुझानों के बीच SP कार्यकर्ताओं की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं और अखिलेश को PM फेस यहां पर दिखाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, रुझानों के बीच कन्नौज में ये पोस्टर लगे हैं, ये देखिए आप तस्वीर आपके सामने, अखिलेश यादव को PM कैंडिडेट यहां पर दिखाया गया है। समाजवादी पार्टी जो काफी अच्छा प्रदर्शन इस बार